बुलंदशहर जेल के माननीय कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम मुख्य द्वार के बाहर गार्ड द्वारा सलामी दी गई। माननीय मंत्री जी द्वारा कारागार के मुख्य द्वार पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवनिर्मित बुलंदशहर व बुलंदशहर जेल का आजादी का इतिहास नामक स्मारक शिलापाठ का उद्घाटन किया। कारागार में बंदियों द्वारा तैयार की गई वॉल पेंटिंग व कैनवास पेंटिंग की आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। मंत्री जी पेंटिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने साथ चल रहे कैमरामैन को बुलाकर फोटो लेने का निर्देश किया। अन्य भंडार का निरीक्षण करने के दौरान राशन की उच्च गुणवत्ता से संतुष्ट हुए और निर्देश दिए कि बंदियों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण ही भोजन दिया जाए। महिला बैरक के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों द्वारा मंत्री जी का स्वागत में स्वागत गीत गाकर किया गया। महिला बैरक के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों द्वारा मंत्री जी का स्वागत गीत गाकर किया गया। महिला बंदियों से उनकी समस्या पूछी, सभी खुश होकर कोई समस्या न होने की बात कही। मंत्री जी द्वारा ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, महिला बंदियों हेतु स्थापित झूले, फैसिलिटी रूम, बच्चों का क्लासरूम, प्ले एरिया आदि का निरीक्षण किया। आज माननीय कारागार एवं होमगार्ड मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद कारागार के मुख्य द्वार के बाहर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलंदशहर और बुलंदशहर जेल का आज़ादी का इतिहास नामक स्मारक का उद्घाटन किया। कारागार के अंदर बंदियों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग का उद्घाटन किया। कारागार में महिला बंदियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। महिला बंदियों की बैरिक में स्थापित ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, एक्टिविटी रूम और प्ले एरिया का निरीक्षण किया। बहुद्देशीय हाल में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भेंट की गई बंदी कल्याणार्थ की विभिन्न सामग्री का बंदियों में वितरण किया। बंदी अमृत बढ़ाना की पुस्तक का विमोचन किया तथा बंदियों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को देखा। कारागार परिसर में चंदन और रुद्राक्ष के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने का संदेश दिया।